कितनी बारिश हुई हो जाएगा। तो हम लोग बक्सा फोर्ट पहुंच गए 22 मिनट में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं अलीपुर द्वार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पे, जिसका नाम है तासी गांव, और काफ़ी हाइट है, 3 घंटे की लगभग ट्रेकिंग। अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मौसम अच्छा है, धूप कम है और हवा चल रही है, तो थोड़ा सहायता मिल रही है चढ़ने में। देखते हैं तासी गांव पर्वत चोटी जाने में कितना टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ के गांवों की खूबसूरती, होम स्टे है, बहुत ही प्यारे स्थानीय लोगों के घर हैं यहाँ। इस रास्ते से होके हम लोग आगे जा रहे हैं, रास्ते में टूरिस्ट लोगों के लिए सरकारी टॉयलेट, बांस देखिए आप क्या गजब की मोटाई है इनकी, ये अलग ही किस्म है, बहुत ऊपर है। और ये रास्ते के पास सेफ्टी वॉल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और बारिश के जो झरने बह रहे हैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं। हम लोग साथ में सर के साथ हैं, और यहाँ ज़बरदस्त सरकारी काम किया हुआ है। ये देखिए यहाँ इतनी हाइट पे सीमेंटेड रास्ते हैं, ये सब सर की बदौलत, उनके अंतिम भूटान बॉर्डर आएगा आगे, वहाँ के अंतिम छोर पे स्थित इंडिया गांव के लिए ये रोड बनाई हुई है, पानी की सुविधा दी हुई है, स्कूल अस्पताल सब कुछ। अभी चलते हैं आगे। हम अलीपुर द्वार जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो तासी गांव बस्ती है वहां पे जा रहे थे, तो देखिए इतने रिमोट एरिया में भी यहां हमने देखा कि बिजली की व्यवस्थाएं हैं और एक अच्छा रास्ता है, पानी की लाइन गुजर रही है बगल से, तो ऑलमोस्ट सारी बेसिक सुविधाएं पहुंचा दी है बंगाल सरकार ने यहां घर घर में। तो हमारे साथ में स्थानीय सिक्योरिटी हैं। आपका नाम क्या दादा? अजय छेत्री सर। आपका गाँव कहाँ है सर? संतलाबाड़ी। अच्छा, ये बिजली की सुविधा कब से आई है यहाँ पे आपके? सर ये तो 7-8 साल हो गया सर, और तो कुछ नहीं था, अभी पूरा सुविधा। क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ पे गांव में? सर यहाँ पे वही गाड़ी नहीं चलती, वही गाड़ी तो पहाड़ है। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक तो है सर, और पानी वगैरह भी है। स्कूल है सर, जूनियर हाई स्कूल है सर। अच्छा, और अस्पताल की क्या सुविधाएं हैं? अस्पताल सर एक है यहाँ पे, हेल्थ सेंटर है। वो आपके जो पाल के एम्बुलेंस है रास्ते में हम लोग देखे थे वहाँ पे। अच्छा, तो और यहाँ टीकाकरण हो गया कोविड का? हाँ सर हो गया सर, सभी लोगों को। सभी लोगों को। और आपके यहाँ पे दिनचर्या किससे चलती है, कमाई कैसे होती है? सर टूरिस्ट लोग आते हैं। अच्छा, गांव का लड़का लोग बाहर में सिक्किम में काम करने जाता है, भूटान में। टूरिस्ट के लिए क्या क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पे? सर यहाँ पे टूरिस्ट का होम स्टे है। अच्छा, और बक्सा फोर्ट है, वो देखने के लिए आते हैं। बक्सा फोर्ट है जो नेताजी सुभाष चंद्र की जेल जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये हम लोग पहुंच गए कहाँ सर? ये लाल बंगलो। लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग हो गई और एकदम ठंडी हवा आ रही है, 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद बैठने का मज़ा आ रहा है।
ये देखिए पूरी कड़ी चढ़ाई करके आए इधर से बहुत दूर से, और अभी इंजन उठा हुआ है चढ़ चढ़ के। ये लाल बंगलो गांव है और यहाँ ये मधुमक्खी पालन किया हुआ है इसमें, और ये दूसरा मधुमक्खी का छत्ता है, लोग इसका मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद निकाल के नीचे बेचते हैं। ईंधन के लिए देखो लोगों ने लकड़ी कैसे जमा कर रखी है। छह महीने बारिश चलेगी तो पहले ही सारा स्टॉक रखा हुआ है, खाना वाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए। और ये देखो हम ऐसे शानदार जंगल है, और हम आए हैं तासी गांव में। आदित्य भाई साहब, विवेक और टीएम साहब आगे गए। इंस्पिरेशन आया, एक दिन क्रिकेट खेलने चला गया, 3 ओवर के बाद मैं लेट गया, मैं की हालत खराब है, फिर दौड़ लगा। मैं सर एक बार थिम्पू गया था, बीच में लेट गया मैं तो, बहुत हार्ड आई थी सर। मैंने लगातार रनिंग की, आदित्य को मैंने ढाई महीने के लिए सर है ना, एक बॉल खेला उसके बाद 3 दिन तक खड़ा नहीं हुआ, चणक चली गई सर। उसके बाद सर तो मैं सर वाले कह रहे इसलिए दिख नहीं रही सर। यहाँ सच में कैंपिंग का शहर मजा आता है, टेंट लगा के पहुँच गया अपन सर। हम लोग यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं और बहुत रिमोट एरिया में आ गए, तासी गांव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जगह जगह देख रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए ब्रिज और सुविधाएं मिली हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे अलीपुरद्वार ज़िला का हम मेनली जो राजाबाद का वो जीबी में बहुत सारे रिमोट विलेजेस हैं, स्पेशली हिल एरिया में बक्सा है इस तरफ, आदमा, तासी गांव, चूनाबाटी, लेपचा खावा, लाल बंगलो, बहुत सारे ग्राम हैं। बहुत दिन पहले मतलब कई साल पहले राज्य सरकार बेसिकली इन जिलों के इन एरिया के विकास के लिए उन्नयन का बहुत सारा कार्य कर रही है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब पहले किसी तरह की फैसिलिटी नहीं थी, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेल्थ का फैसिलिटी है, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाया है, नया ICD सेंटर बनाया है, पालकी एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। इसके बाद में छोटे छोटा जो डिमांड था लोगों का, स्थानीय लोग जो स्पेशली यहाँ पे डुक्पा कम्युनिटी रहते हैं, यहाँ पे नेपाली लोग भी हैं, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, तो सभी के डिमांड को रखते हुए हमने यहाँ बहुत सारे कलवर, छोटा रास्ता, छोटे ब्रिज ये बनाए हैं ताकि यहाँ के लोगों का स्थानीय जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, और लोग काफ़ी यहाँ पे खुश हैं। विशेष रूप से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के जो विशेष उद्योग से काम हो रहा है, और इस तरह का विकास कार्य चलता रहेगा। और एक बड़ा उदाहरण है कि बक्सा फोर्ट का यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन हो रहा है। बक्सा फोर्ट बेसिकली ऐतिहासिक धरोहर है और उसमें इनिशियली 3 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, अभी फिर गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ रुपये सेंक्शन किया वहाँ पर, तो उसका काम भी चल रहा है। इसके होने के बाद में ये एक बड़ा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा, और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के बहुत सारे विकल्प जो है खुल जाएंगे। इसको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत ही उत्साह का माहौल है, ताकि यहाँ के छोटे छोटे जो लोग जो टूरिस्ट का काम करेंगे, गाइड का काम करेंगे, यहाँ बहुत से फॉरेस्ट इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके आजीविका का साधन बनेगा, तो यही इस जो विकास कार्य होने उनकी देख रेख के लिए उनका ठीक तरह से मॉनिटरिंग हो रहा है नहीं, उसका देखने के लिए आज मैं यहाँ पे बक्सा फोर्ट में आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लाल बंगलों में देखा, बक्सा फोर्ट में देखा, हम लोग ऊपर जाके ताशी गांव में देखेंगे, फिर वहाँ से हम लेपचा खावा जाएंगे, फिर दोबारा वापस जिस तरह के कार्य हो रहे हैं उनको देखेंगे सर। ताकि आदमी कैपेसिटी पे कुछ लोग मतलब जो ट्रेंड है वो जल्दी पहुँच जाते हैं, और जैसे हम लोग नॉर्मल अगर ट्रैकिंग करें तो बक्सा फोर्ट से 0 पॉइंट से बक्सा फोर्ट आने में 25 मिनट नॉर्मल स्पीड से अगर आप आते हो, ताशी फिर लेपचा खावा जाने में फिर आपका आधा घंटा वो लगेगा। इधर ताशी गांव थोड़ा टफ है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अनमैरिड कपल आता है सर। तो की बोलते सुनने लगे बात, मोटर तो काम कर रहा है।
नेटवर्क आ रहा है सर, व्हाट्सएप नहीं जा रहा क्या। रास्ता हटने के लिए तो कोई साल से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। देखो फिटनेस देखो इनकी सर। घर में कौन कौन आपके? अरे मेरा लड़की है, अरे घूमने लड़की तो अभी हम लोग यहाँ पे दिन में चार पांच बार। कितना घर ऊपर? सोलह बार, दो तीन बार। कितने घर है वहाँ ऊपर? यहाँ तो 20-22 घर होगा। वो नीचे से उठो रहा क्या लोग? वो नीचे जा रहा क्या सब लोग? बजा होइन लाल बङ्गलामा सर्दैछ भन्दैछ मान्छे यहाँ। ओ दो है तीन चार घर जाएगा। चलो अच्छा फिटनेस है, चलो मुलाकात हो गया उससे, देखा होगा। हम लोग बक्सा पड़ता तो खूब आते हैं। देखिए मैं देखिए काफी अच्छा कलर बना हुआ है। अच्छा जबल का नहीं, बाहर का कंटिटी रहेगा तो अच्छा कर लेगा। क्या नाम है अपना? फुबा गुप्ता। प्रभात फुबा। फुबा फुबा काम तो हो रहा है, कुछ और जो है ना उनपे भी हम लोग देख रहे हैं, छोटा मोटा हो जाए। जैसे बच्चों के स्कूल के लिए हम लोगों ने सबको वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये बहुत अच्छी स्कूल का नाम पंडित रघुनाथ रूम। वो कहाँ आपकी क्या लगती है बेटी? नाती नहीं आएगी नाती ले तो वहाँ फ्री में हूँ। फ्री में बहुत कुछ सारे फ्री, बैठने के लिए बहुत सुविधा है, बैठना फ्री, कपड़े फ्री, घर से भी वहाँ पे स्टैंडर्ड है सर। नहीं इसीलिए तो बच्चों जितना था ना बक्साकूट का, पहले तो ये लोग मना कर रहे थे। मैं जब पिछली बार आया था मैंने बोला कोई बच्चा नहीं रहेगा यहाँ पे, तो अब सब वहाँ चले गए फ्री में। लोग उनका फ्री में खाना सब, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, स्पोर्ट्स का सारा दे दिया उनको। इसीलिए बच्चे जो है ना बच्चों को सबको नीचे माँ बाप से भी ज्यादा वहाँ पर प्यार रखते हैं। वहाँ सब ध्यान रखते हैं, वहाँ तो सारे ऑफिस रिमोट लेने। मैं खुद जाता हूँ रेडियो, मेरा ऑफिसर वीडियो सब रहता है। और यहाँ पे तो वही नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोग यहाँ रहो और बच्चों को मारे ना, तो बीच बीच में संभाल लो उनको जाके। हाँ सर, कुछ तब भी होना। कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम उसका? नातिनी जो बोलता है एट में थ्री होम। हाँ अब वो स्कूल है ना, ये टेंथ तक हो गया, फिर ट्वेल्थ तक हो जाएगा। अच्छा, तो कंटिन्यू वहीं तक फ्री में एजुकेशन हो जाएगा। हाँ वो तो गवर्नमेंट सब फ्री में दे रहा ना चीज़ें, बाकी लोगों को भी अवेयर करो स्कूल लेकर। यहाँ का भी कोई जाने का दिल कर रहे हैं अभी नहीं। लेपचा वाले को बोल दो, लेपचा का भी कोई है छोटे बच्चों को यहाँ रखने से मतलब नहीं है। वो वहाँ रहेगा पढ़ाई लिखाई करके बाद में ऑफिसर बन सकता है। और ये बक्सा द्वार में तो काफी स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है खाली। इधर टीचर का प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इसलिए तो बोल रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे टीचर हमने हायर किए अभी। और टीचर इसने ध्यान से पढ़ाई भी नहीं करते हैं, इसीलिए नीचे भेज दो, नीचे हम लोग नजर में रहता है ना। चलो मुलाकात होगी फिर। कहाँ पे आए हैं और किस चीज़ का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं? देखिए आज हम यहाँ पे संडे का दिन है और आपको पता है कि 1 अप्रैल से द्वारे सरकार कैंप। ये हम भारत भूटान बॉर्डर पे लहराता हुआ तिरंगा झंडा। सामान रखने क्यों तासी गांव सबसे अंतिम गांव जिला अलीपुरद्वार में। वो रास्ता देखिए कितना खतरनाक रास्ते हैं। बना
वो सर पैर आराम से रखो यार लूज मिट्टी में, रास्ता गायब है सर। हो गया कल्याण, अरे सर मैं तो वही देख के सोच रहा हूँ ये रास्ता पानी की लाइन बची हुई है। आराम से वो एक नया गांव दिखा आज हमको, नाम है उचलोंग। बाप रे बहुत दूर है वो, ये देख रहे हैं आप बहुत दूर है, जूमिंग देखिए आप वहां पे है। तो नेक्स्ट ट्रिप बनेगी वहां की, अब जा रहे हैं हम तासी गांव से लेपचा पहाड़ के एक सबसे ऊंची चोटी से दूसरी सबसे ऊंची चोटी पे। थोड़ा स्लूप है, पहुंचने में आसानी रहेगी। सुबह से ट्रेकिंग चल रही है, मिलता ना हमको अभी तक। हाँ 12 किलो को थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या वहाँ पे क्या विशेषता है? रिवर्स पॉइंट पे विशेष व्यू पॉइंट अच्छा है सर, गुड है। और ये सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे ना, हाईएस्ट अभी सामने का तो रोबस पॉइंट है। कितना कितना हाइट उसका? ये तो 2008 पीक है ना, ना 2000 यहाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3000 कितना 200 कुछ है ना, 2800 कितना है रोबस पॉइंट? तो ज़्यादा होगा, 3000 के ऊपर होगा। 3000 से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आदमा का ही 4000 प्लस है। तब तो जाता ही होगा, और यहाँ से रूपांग वैली भी जाता है, अभी भूटान रुकने नहीं जाता है। रूपांग वैली भूटान पड़ता है क्या? भूटान पड़ता है, वैली तक भूटान पड़ता है। और पंप से वो रोवर स्पीड से रूपांग वैली है, रूपांग वैली है सर, रूपांग रूपांग या रूपम रूपांग वैली रूपांग। बहुत सुंदर जगह है, रोड में बहुत सुंदर जगह। आप गए होंगे? मैं गया नहीं हूँ। अच्छा फोटो उधर से गया था ना, बीच में आ गया था मैं, चला ची कम से दो दिन में मिस्टेक हो गया ना। लक्ष्मी भंडार के स्वास्थ्य साथी लक्ष्मी भंडार के लिए अप्लाई करो, आप स्वास्थ्य साथी जो मिल रहा है उसके वजह से मेरा भी होगा सर। लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार तो जेंट्स का नहीं होता, नहीं होता लेडीज का, लेडीज की स्कीम है वो, उनका तो अभी तक नहीं मिला। इस बार आप इस बार अप्लाई करो, हो सकता है वो मिस्टेक कुछ होगा, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करो इस बार। अच्छा सर ठीक है। भूटान में क्या काम करते हो? फसा का पास में तो है। कितने साल से काम कर रहे हो? 6 साल। लॉकडाउन में ही पता क्या क्या काम करते होंगे? फैक्ट्री में काम करते हैं इधर का ही ज़्यादा पतासी फैक्ट्री में, सिलिकॉन फैक्ट्री में ना, वहाँ पे बहुत सारा दूसरा फैक्ट्री है। चलो इस बार करना होगा, अच्छा लगा आपको, बहुत थैंक यू। और वो कौन सा है? और वो कौन सा ऊपर है? ऊपर है सर, ये गाँव में आपका 80% आदमी रहता है और वहाँ पे 20%। और ये कौन सा? ये सर हम लोगों का सबसे उच्च पामसा कर लेंगे सर, चलेंगे। सर आज आप कहाँ पे आए हैं और किस चीज का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं? देखिए आज हम यहाँ पे संडे का दिन है और आपको पता है कि 1 अप्रैल से द्वारे सरकार कैंप राज्य सरकार ने अनाउंस किया, 1 तारीख से 10 तारीख तक रहेंगे और 11 तारीख से 20 तारीख तक हम सर्विस डिलीवरी करेंगे।
तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ताशी गांव एकदम बहुत ही रिमोट विलेज है, बक्सा फोर्ट से ऊपर की तरफ एकदम लोकेशन पे, एकदम इंटीरियर बहुत ही रिमोट लोकेशन है। तो यहाँ पे प्री द्वारे सरकार का एक जस्ट अवेयरनेस करने के लिए आया और बहुत से लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन से जान के बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोग यहाँ गवर्नमेंट राज्य सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न जो स्कीम है उनका लाभ उठा रहे हैं और कुछ कुछ लोग नया जो ऐड होगा लक्की भंडार, विडो पेंशन, कास्ट सर्टिफिकेट, उनको एक इनके बारे में जानकारी दी गई है ताकि एक तारीख से ये कैंप का लाभ लें। और लोगों से इंटरेक्शन करके लगा कि बहुत ही लोग खुशी हैं और कुछ कुछ उनका नया डिमांड है वो मैंने नोट भी किया है। बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से और जिला परिषद और ब्लॉक और ब्लॉक प्रशासन की तरफ से हम लोग इन डिमांड को पूरा करेंगे। ये लेप्चा का पहुंच गए हम और हम लोग पहले भी आए थे यहाँ लेकिन इस रास्ते से नहीं आए। बहुत ही सुंदर जगह, देखिए आप जन्नत के नज़ारे। होम स्टे देखिए कितना सुंदर, और ये हाइट देखिए पहाड़ों की, पहाड़ हमसे नीचे है। लगातार चल रहे हैं हमारे साथ सर और हौसला अफजाई कर रहे हैं, चलते रहो पहुंच जाओगे। गजब का स्टेमिना है सर का। ये एंटर हो चुके लेपचा का, सामने गुम्पा है, गुम्पा यानी बौद्ध मंदिर। बहुत गजब व्यू है यहाँ, यहाँ तक आए हुए हम पहले लेकिन तासी गांव नहीं गए थे। बहुत हाइट में है, हम तासी गांव से ये देखे क्या गजब का व्यू है। ये सर बच्चों से इंटरेक्ट होते हुए क्या मिला है, आहा ये लेपचा का गांव। हाँ चलेंगे, रुक। डीएम सर पहुँचे हैं लेपचा का, स्थानीय लोगों से रूबरू होंगे होते हुए। পাহাড় এরিয়াতে এতদিন ঘুরছি কিন্তু এত সুন্দর জায়গা পাইনি। আপনার কত বয়স আছে? আমার 76। আপনি তো খুব উঠে গেলেন এখানে, আস্তে আস্তে উঠেছেন, আপনার ফিট আছেন আপনি? আমি অ্যাকচুয়ালি ইয়াং লাইফে আমি ফুটবল দেখতাম, তখন তো ফুটবল ফুটবল মাঠে তো বহুত দৌড়ে। ফিটনেস ভালো আছে আপনার? ফ্যামিলিকে নিয়ে এসেছেন? ফ্যামিলিকে নিয়ে এসেছি। ফ্যামিলি কতদিন হয়ে গেল এখানে থাকছেন? না এখানে থাকছি না, আমি থাকছি কি জায়গা থেকে ঘুরবো, এখান থেকে
নিয়ে তারপরে আবার নিয়ে আলিপুর ঘুরে আমি তো এখানে লোকাল ঘোরাঘুরি করে কিছু না আমি এরকম আপনার মতো ঠিক আছে ভালো লাগে ওকে স্যার এই বয়সকে ঘুরছেন তো ভালো জিনিস আমরা ঘুরে এসেছি চার পাঁচটা পুরো ওই সাইডে গ্রাম কথা বলি না না এটা এটা আমি গিল্ডিস ব্যাংক নাম শুনেছেন না গিল্ডিস ব্যাংক আমি ম্যানেজার সৌদি আমাদের খুব আছে ম্যানেজার হিসেবে আমি করি शानदार व्यू है सर ये तो फॉग हो गया ना सर इसलिए नहीं तो चले ऊपर ऊपर ही नेट चलता है यहाँ ओ क्या व्यू है भाई व्यू देखिए आप लेपचा का पहाड़ के एकदम ऊपर बाबू लो 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 क्या कर रहे हो गट्टे खेलते ना सर गिट्टे खेलना था ना हाँ सर पांच से खेलते तो बट वो यार पांच से वैसे कितना नहीं होता पांच से हाँ सर ये वाला इधर दिखा दे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बम्बू वाला नहीं ये सुपारी बना भी बहुत अच्छा आ जा ना आ जा सुपारी का